हजारों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों से। मथुरा में बांके बिहारी का मना, प्रकट उत्सव निधि वन में हुई है आतिशबाजी, भजन संध्या में लाडले को रिझाया। सीतापुर में दधीची कुंड में नहाने के दौरान डूबा युवक, बाउंड्री वॉल पर चढ़कर कुंड में लगाई थी छलांग, गोताखोर ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला बाहर। संगम नगरी पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, शंकराचार्य आश्रम में आराधना महोत्सव का करेंगे शुभारंभ, आरएसएस कार्यालय की बढ़ाई कई सुरक्षा। लकड़ी बिनने गई महिला का झाड़ियों में मिला शव, पिता बोले प्रॉपर्टी को लेकर ससुराली जनों से बेटी को मार दिया। कानपुर देहात में 20 लाख शादी में 20 लाख की ज्वेलरी चोरी, ग्राम प्रधान की बेटी की थी शादी, खिड़की के रास्ते कमरे में घुसे चोर। प्रयागराज डीएम की इनोवा में वैन ने मारी है टक्कर, ड्राइवर घायल, लखनऊ से छुट्टी मनाकर परिजनों के साथ लौट रहे थे आवास। कथावाचक आशाराम का पीए प्रवीण कावेल अरेस्ट, मुजफ्फरनगर में अखिल गुप्ता हत्याकांड में 7 साल से था वांछित। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी का भंडाफोड़ बेटा फिरोज गिरफ्तार, पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। दो साल से फरार आजीवन कारावास का आरोपी गिरफ्तार, जेल से पैरोल पर छूटने के बाद फरार था, पुलिस की नाक के नीचे बैठकर। कन्नौज में बाइक सवारों को कार ने रौंदा, हादसे में एक की मौत, दो घायल, गुस्साए परिजनों ने शव रखकर लगाया जाम। घुमंतु गिरोह की नजर रखने के लिए पुलिस अलर्ट, रात 10 बजे सुबह 5 बजे तक विशेष निगरानी के निर्देश। काशी के 108 मदरसे में भी स्कॉलरशिप बंद, मदरसा परिषद के चेयरमैन बोले मिड डे मील, ड्रेस और फ्री किताबें मिलती रहेंगी। इटावा में खड़े ट्रक में घुसा ट्राला, हादसे में चालक और परिचालक की मौत, ट्रक लेकर चालक को गया है फरार। उन्नाव में टैंकर से डीजल चोरी पकड़ी गई, 9 ड्रमों में भर चुके थे 1890 लीटर तेल, पुलिस ने आरोपित विभाग को सूचना देकर बुलाया। टीली टीला में सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसा ट्राला, केबिन में फंसकर ससुर दामाद की मौत, राजस्थान से टायर्स लेकर कानपुर लौट रहे थे दोनों। फतेहपुर में पुलिस व बदमाशों में मुठभेड़, गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश घायल, कानपुर में दरोगा की लूटी थी पिस्टल। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जैसा होगा आरएमपीयू का बजट, स्टेट यूनिवर्सिटी के परी नियमावली बना रहे हैं एएमयू और केजीएमयू के प्रोफेसर। अमेठी में ग्रामीणों की समस्याएं सुनते नहीं है अधिकारी, सड़क के किनारे लगाया है वोट बहिष्कार का बोर्ड, वार्ड 2 का है मामला। संभल में शादी समारोह में नकदी और जेवर चोरी, शहर के व्यवसायी की बेटी की शादी थी, पीड़ित बोले घटना सीसीटीवी में कैद। बिजनौर में सड़क किनारे खड़े युवक को गाड़ी ने रौंदा, शादी समारोह से लौटकर बस का कर रहा था इंतजार, टक्कर मारकर चालक फरार।
गाजियाबाद के पहले पुलिस कमिश्नर बने अजय मिश्रा एसएसपी, मुनिराज जी का अयोध्या ट्रांसफर। 24 घंटे में डीसीपी एसीपी की भी हो सकती है तैनाती। सुल्तानपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक से मारी है टक्कर, इलाज के दौरान युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, घर लौटते थे दोनों। उन्नाव में अलग अलग हादसों में दो की मौत, बाइक सवार युवक को डंपर ने मारी है टक्कर, ग्रामीणों को ट्रक ने रौंदा, आज होगा पोस्टमार्टम। हाथरस में हर्ष फायरिंग में युवक को लगी है गोली, घायल, गांव के युवक का चल रहा था तिलक, समारोह जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में डेंगू मरीजों के आंकड़े में लगातार इजाफा, अब तक 153 डेंगू पॉजिटिव मिले हैं। सीएमओ बोले, बुखार आने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। आगरा में सीएम योगी की सभा में छात्र छात्राओं का हंगामा, योगी की सभा में बैनर लेकर हाईस्कूल की छात्र छात्राओं ने योगी से मांगे अंक। अम्बेडकर नगर में विद्युत विभाग चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट, बिजली विभाग के कर्मी का घूस लेते वीडियो हुआ है वायरल। बुलंदशहर में चावल से भरा ट्रक आपूर्ति निरीक्षक ने पकड़ा है, गोदाम का निरीक्षण कर किया सील। गोंडा में जहर खुरानों ने मासूम समेत 3 लोगों को बनाया अपना शिकार, रेलवे स्टेशन पर चाय में नशीला पदार्थ खिलाकर बनाया गया जहर खुराकी का शिकार। लखीमपुर खीरी में अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने अवैध शराब बरामद कर 27 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में अनजान की तेज आवाज के विरोध में बजरंग दल के कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर एसीएम को सौंपा ज्ञापन, आवाज को कम कराए जाने की मांग। कानपुर में 2 का पहाड़ा नहीं सुना पाया छात्र, अनुदेशक ने कहा ने चलाई ड्रिल मशीन, मौके पर पहुंचे बीएसए। अलीगढ़ में हिमाचल प्रदेश की नकली दवा को लेकर ड्रग विभाग की छापेमारी, छापेमारी के दौरान पकड़े गया संदिग्ध दवाएं। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का बड़ा बयान सामने आया है, सीबीआई ने सरकार से शिवपाल यादव से पूछताछ की अनुमति मांगी। रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को मारी है जोरदार टक्कर, हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल रेफर किया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण गोमती नगर में आयोजित किया जा रहा है नागरिक सुविधा दिवस, प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को होता है आयोजन। रायबरेली में मानसिक विक्षिप्त महिला का पेड़ से लटका शव मिला है, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने भाजपा पर किया है वार, बोले जनता को भाजपा सरकार ने सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम ही किया है। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता का शव मिला है, परिजनों ने जताई है हत्या की आशंका। गाजियाबाद में मैक्स हॉस्पिटल में नाक का ऑपरेशन किया गया, चली गई आंख की रोशनी, परिजन ने मैक्स हॉस्पिटल में किया हंगामा। रायबरेली में डीएम प्रयागराज की खड़ी गाड़ी में तेज रफ्तार मारुति वैन ने मारी है टक्कर, हादसे में डीएम की गाड़ी का चालक गंभीर रूप से घायल। कानपुर में डीएम कंपाउंड के बाहर महिला ने खाया जहर, आनन फानन में महिला को गंभीर अवस्था में उर्सला
अस्पताल में किया गया भर्ती। यूपी में 16 आईपीएस के ट्रांसफर, बनारस, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद, प्रयागराज में नए पुलिस कमिश्नर हुए तैनात। लखीमपुर खीरी में पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई, अपराध से अर्जित की गई संपत्ति को कुर कर जब्तीकरण की कार्रवाई। लखनऊ के कुमरावा महीगावा मार्ग पर मृतक पड़ा मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। सूचना पर महीगावा चौकी प्रभारी तत्काल फोर्स के साथ मौजूद। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक और स्कूली वैन में टक्कर, हादसे में कई बच्चे घायल। लखनऊ में सादतगंज के नौबस्ता में नगर निगम इंस्पेक्टर की क्षेत्रवासी से हुई है झड़प, झड़प में जान से मारने की धमकी देने का आरोप। प्रयागराज में चलती ट्रेन से अलग हुए डिब्बे, बाल बाल बचे गंगा गोमती एक्सप्रेस के यात्री। डिप्टी सीएम बिजेश पाठक का बयान, बोले प्रदेश के कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बेहतर और मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं बेहतर की जा रही। फ्रेंड बनकर दुल्हन का बैग उड़ाया, बरेली में शादी एंजॉय करती रही दो चोरनी, फिर दुल्हन के जेवर और कैश रखा बैग, किया फरार। देवरिया में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, पटपारा रानी पुलिस ने 40 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एक अभियुक्त को किया है गिरफ्तार। हरदोई में तिलक चढ़ाकर लौट रहे दूल्हे के घर वाले हादसे का शिकार हो गए, खाई में गिरी कार, दो भाइयों समेत तीन की मौत। देवरिया में साइबर सेल द्वारा 108 गुमशुदा मोबाइल, लगभग 15 लाख कीमत की गई है बरामद, संबंधित को सपुर्द कर दिया गया। रायबरेली बैरिकेडिंग को लेकर बछरावा व्यापारियों में भारी आक्रोश, करोड़ों व्यापारी ने नगर पंचायत का किया है घेराव। औरैया में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है किसान का शव, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुरानी रंजिश के चलते गांव के तीन लोगों पर लगाया आरोप। सिद्धार्थनगर पंजीकृत पोल्ट्री फार्मों पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं, प्रवासी पक्षियों के आने से बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ा, विभाग ने दवाई छिड़कवाने के आदेश दिए। एमएलए इरफान की जमानत याचिका खारिज करने की तैयारी, घर फूकने की फार्मेसी रिपोर्ट और आपराधिक चिट्ठा को आधार बनाएगी पुलिस। आसमान में करतब दिखाएगा सुखोई और चिनूक प्लेन, आगरा में रक्षा मंत्री 1.5 घंटे देखेंगे एयर शो, 10 से ज्यादा देशों के मेगा शो में हुए शामिल। चूहे की हत्या पर एफआईआर, आरोपी पर सवाल, बकरा मुर्गा काटने पर भी केस हो, बाजार में चूहा मार दवाई भी खुलेआम बिक रही है। औरैया में ककोर मुख्यालय पहुंचे कमिश्नर कानपुर डॉक्टर राजशेखर, जिलाधिकारी समेत जमींदारों को दिया आश्वासन और दिया दिशा निर्देश। बजरंग दल नेता की हत्या, आरोपी एनकाउंटर में गिरफ्तार, शूटर बिलाल को दोनों पैरों में लगी है गोली, मुरादाबाद में दिन दहाड़े हुआ था मर्डर। शामली के दोआब शुगर मिल में फटी टरबाइन, हादसे में दो लोग झुलसे, एक की हालत गंभीर, 24 घंटे बंद रहेगी मिल। श्रावस्ती में डीएपी लेने उमड़े भारी संख्या में किसान, रवि की फसल के लिए किसानों को खाद की अधिक आवश्यकता।
श्रद्धा के सवाल पर साध्वी प्राची के बिगड़े बोल, मुजफ्फरनगर में बोली सारे मामले की जड़ आसमानी किताब, लिव इन रिलेशनशिप भी गलत। डांस करते करते 5 सेकंड में मौत, वाराणसी में भतीजे की शादी में नाच रहे थे, अचानक गिरे फिर उठे नहीं। बरेली में 8वीं की छात्रा से रेप, दीवार फांदकर घर में घुसा युवक, लड़की के मुंह में कपड़ा ठूंसकर किया रेप, परिजनों ने पकड़कर की धुनाई। अम्बेडकर नगर में मजदूर संघ का धरना प्रदर्शन, मजदूरों का समय पर भुगतान न मिलने पर किया धरना प्रदर्शन। गोरखपुर में पेड़ पर लटकती मिली युवक की लाश, जिस पेड़ पर लटकती मिली थी छोटे बेटे की लाश, उसी पेड़ पर बड़े बेटी की लाश मिली। बाराबंकी में विदेश भेजने के नाम पर युवकों से ठगी, जालसाजों ने नौकरी के नाम पर युवक को किया टूरिस्ट वीजा। बुलंदशहर में नहर में गिरी है बारातियों से भरी बस, गड्ढे के कारण बिगड़ा संतुलन, बस में सवार थे 50 यात्री, सभी सुरक्षित। बहराइच में सांसद ने दलिया प्लांट का उद्घाटन किया, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं काम कर नारी सशक्तिकरण का नारा बुलंद करेंगी। सामाजिक कार्यकर्ता सुमित मलिक ने शुरू की है भूख हड़ताल, मुजफ्फरनगर में धरना देकर पत्नी, कचरा माफियाओं पर कार्रवाई की मांग। फतेहपुर के खागा में हादसा, बुजुर्ग महिला की मौत, बेटी की ससुराल से लौट रही थी वृद्ध महिला, सड़क पार करते समय हुआ हादसा। मुजफ्फरनगर पहुंचे रालोद मुफिया जैन चौधरी, बोले दंगे की कड़वाहट, गन्ने की मिठास में बदली जनता। फेरों के बाद दुल्हन का ससुराल जाने से इनकार, विदाई के समय बोली मेरा अफेयर चल रहा है, मैं बेबी के घर ही जाऊंगी। फिलहाल 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों, बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।